औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उन्होंने पराजित कर दिया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर तो लिया, पर शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी महाराज के भाग निकलने पर उनके लिए बहुत चिंता का कारण बन गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू, औरंगजेब की विवादास्पद प्रतिष्ठा के प्राथमिक कारणों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नीतियों से उपजा है, क्योंकि उन्होंने भेदभावपूर्ण जजिया कर वापस लाया था जो हिंदू निवासियों को चुकाना पड़ता था। साथ औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था। उसने शरिया कानून लागू करने और पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने की मांग की। इसके कारण हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर भेदभावपूर्ण कर लगाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। साथ औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे, चूंकि यह हिंदू राजाओं की संख्या सहित संख्या और भूमि क्षेत्र के मामले में पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत बड़ा था। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। अहमद अली के शब्दों में कहे तो ये तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय एक छोटी और अस्थायी अवधि के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। व्यक्तित्व, औरंगजेब तथाकथित हिंदू और सिख विरोधी काम करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वे संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुरान की नकल बना करके और टोपियां सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। औरंगजेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुसलमान बादशाहों के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था। मुगल काल में ब्रज भाषा और उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार एलिसन बुश बताती है कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। शहंशाह के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उन्होंने संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही शासक से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पत्र से भी समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने 47 वर्षीय बेटे आजम शाह को लिखा था। शासक ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस अवसर पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया। आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि जब वे एक बच्चे थे तो उन्हें नगाड़ों की आवाज बहुत पसंद थी और वे अक्सर कहते थे, बाबाजी धन धन। इस उदाहरण से यह बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में ही अपने पिता से बातचीत करता था।